अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनाया खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन सम केमिकल चेंज टू वन आर मोर। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इफ अ सब्सटेंस चेंज इन अ वे अदर देन अ चेंज टू इट्स स्टेट और मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस दिन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट हैव टेकन प्लेस। अगर एक सब्सटेंस में एक चेंज आ जाए जो कि स्टेट ऑफ मैटर के अलावा हो तो उसमें केमिकल चेंज ने रिएक्शन लिया है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ने अपना हिस्सा लिया है। द केमिकल्स दैट आर यूज इन अ केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज रिएक्टेंट। हर वो केमिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में यूज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो वो बनाते हैं, मतलब जो उस रिएक्टेंट से जो हमें हासिल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। दूस आर दैट आर फॉर्म्ड आर नॉन एज प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है, सोडियम प्लस क्लोरीन अगर इकट्ठा हो जाए तो हमारे साथ प्रोडक्ट क्या देते हैं, प्रोडक्ट में वो हमारे साथ सोडियम क्लोराइड देते हैं। एन ए सोडियम प्लस क्लोराइड Cl2 NaCl हमें दिया जो कि क्या है, हमारे साथ एक प्रोडक्ट है। अच्छा जी, अब हमारे साथ एक रिएक्टेंट है कॉपर और दूसरा रिएक्टेंट है सल्फर। जब ये दोनों इकट्ठा हो जाए तो ये और रिएक्शन करे तो ये हमारे साथ प्रोडक्ट में क्या देते हैं, कॉपर सल्फाइड देते हैं जो कि Cu+S CuS देते हैं। केमिकल इक्वेशन ये देखो, ये हमारे साथ एक केमिकल इक्वेशन है जो कि 2H2 और प्लस O2, तो इसने हमारे साथ क्या बनाया है, वाटर बनाया है जो कि वो हमारे साथ प्रोडक्ट है और 2H2 प्लस O2 ये हमारे साथ एक रिएक्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब हमारे साथ 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। एक है कंबिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और कंबस्टन रिएक्शन। ये देखो, ये हमारे साथ है कंबिनेशन रिएक्शन, क्योंकि सल्फर और कैल्शियम कंबाइन हुए हैं जो कि हमारे साथ कैल्शियम सल्फाइड दिया है, तो ये हमारे साथ हो गया कंबिनेशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कार्बोनिक एसिड प्लस वाटर और कार्बोनिक एसिड जब कंबाइन हुआ है तो हमारे साथ क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया है जो कि हमारे साथ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिंगल रिप्लेसमेंट में हम ऐसे करते हैं कि हमारे साथ एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी सी, तो इन दोनों ने अगर रिएक्शन किया है तो हमारे साथ प्रोडक्ट क्या आया है, प्रोडक्ट में आया है बी प्लस ए सी, तो ये हमारे साथ है सिंगल रिप्लेसमेंट और इसमें रिप्लेसमेंट सिंगल हुआ है। ये देखो, ये हमारे साथ ये ए सी के पास चला गया है और बी ए की जगह पे आ गया है। सिंगल और डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ ये भी है कि एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर, इसने जब डिस्प्लेसमेंट किया है तो सी यू वहाँ चला गया है और एफ ई यहाँ आ गया है। अब हमारे साथ है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम मेटाथीसिस भी कहते हैं, मेटाथीसिस। अच्छा जी, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ए बी प्लस सी डी इन दोनों ने रिएक्शन किया है तो हमारे साथ प्रोडक्ट में क्या दिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डी एक बी की जगह चला गया है और बी डी की जगह गया है। एसिड बेस साल्ट एंड वाटर। अच्छा जी, अब हमारे साथ ये है एसिड बेस। एसिड और बेस ने जब रिएक्शन किया है तो हमारे साथ क्या दिया है, साल्ट दिया है और वाटर दिया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जब एसिड बेस कंबाइन हो जाए और हमारे साथ वाटर और साल्ट प्रोडक्ट में दे तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखो, ये हमारे साथ है एसिड प्लस बेस इक्वल टू H2O वाटर प्लस साल्ट, ये दिया है तो ये हमारे साथ क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे कि हमारे साथ एसिड में HCl है, बेस में NaOH है और प्रोडक्ट में वाटर H2O और NaCl दिया है, NaCl साल्ट है। ये एसिड बेस वाटर और साल्ट में प्रोडक्ट में दिया है। अच्छा जी, अब हमारे साथ ये है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुआ है तो हमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।